नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्टेनो हिंदी या फिर स्टेनो इंग्लिश में से कौन सी स्टेनो चॉइस करना बेटर रहेगा, आपको कौन सी स्टेनो करनी है, इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। हिंदी और इंग्लिश सबसे ज़्यादा वैकेंसी दो में ही आती है। वैसे स्टेनो पंजाबी में भी होती है, गुजराती में भी होती है, तमिल में भी होती है, किंतु सबसे ज़्यादा वैकेंसी है जो हिंदी और इंग्लिश की आती है। बात करें वैकेंसी की, तो वैकेंसी दोनों के लगभग बराबर आती है, थोड़ा इंग्लिश के अंदर 5% वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है, तो इसके अंदर हिंदी के अंदर क्या होगा, सेशन कोर्ट के अंदर वैकेंसी ज़्यादा आ जाती है। तो बात करें भाई चॉइस कौन सी करें, हिंदी ले या इंग्लिश ले, तो ध्यान रखना अगर आपका मीडियम हिंदी है और आपकी बेस्ट हिंदी लैंग्वेज बढ़िया है, ग्रामर बढ़िया है, तो आपको हिंदी स्टेनो करनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश, आपकी इंग्लिश बढ़िया है, इंग्लिश ग्रामर बढ़िया है, एक एक चीज़ आप इंग्लिश में अच्छे से कर सकते हो, तो इंग्लिश करो, नहीं तो अंग्रेज मत बनना। अगर आप हिंदी के अंदर आपके पूरा ज्ञान हिंदी का है, पूरा मीडियम हिंदी में रहा, 12th तक हिंदी में की, और इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश स्टेनो करना भी मत, भूल में भी मत करना। और अगर आपका मीडियम इंग्लिश है और 12th तक इंग्लिश मीडियम रहा, और आगे आप अगर हिंदी स्टेनो लेना चाहते हो, तो गलती कर रहे हो। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश स्टेनो को चॉइस करो, अगर आपका मीडियम हिंदी है तो हिंदी स्टेनो चॉइस करो, क्योंकि आगे जाके आपको शुद्धिकरण देना होता है। स्टेनो करने के बाद में आपका 5% गलती के अंदर अंदर आपको अनुवाद करना होता है। तो अगर आपकी हिंदी या इंग्लिश जो आपकी ग्रामर होगी वो अगर बढ़िया होगी, तो ही आप आगे स्टेनोग्राफर बन पाओगे। अगर आपके यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी में से कोई वीक है और आप स्टेनो कर रहे हो, तो साथ में आपको हिंदी और इंग्लिश भी वापस तैयार करनी पड़ेगी, नए सिरे से उसकी ग्रामर एकदम पूरी वापस तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप स्टेनोग्राफर बनने जा रहे हो, स्टेनोग्राफर की चॉइस करने जा रहे हो कि हिंदी या इंग्लिश स्टेनो में से कौन सा स्टेनो बेटर रहेगा चॉइस करना, तो मैं बता दूं कि भाई आप अगर आपका लैंग्वेज या आपकी पकड़ जिसके अंदर ज़्यादा है, अगर आपके मीडियम हिंदी है तो हिंदी करो, अगर मीडियम इंग्लिश है तो इंग्लिश करो। वैकेंसी बराबर आती है, लगभग इंग्लिश के अंदर थोड़ी 5% ज़्यादा आती है, उसके इसके अलावा जैसे 5% वो इसके अंदर भी इंक्लूड हो गई कि 5% इसके अंदर सेशन कोर्ट के अंदर ज़्यादा आती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कौन सी स्टेनो करनी है, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, थैंक यू।